हियर इज अ न्यू ड्रग इन द मार्केट, एक न्यू ड्रग है मार्केट में आई, इतनी भी न्यू नहीं है, बार न्यू है, दैट एक्चुअली इज द कॉम्बिनेशन ऑफ सैकूबाइड्रिल इन कॉम्बिनेशन विद वालसार्टिन. वालसार्टिन इज एन एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर. ओके, व्हाट इज सैकूबाइड्रिल? लिसन 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 लिसन, सैकूबाइड्रिल इज अ नेप्रिलाइसिन इनहिबिटर. नेप्रिलाइसिन इनहिबिटर, लिसन बेटा, नेप्रिलाइसिन इनहिबिटर. व्हाट इज नेप्रिलाइसिन? ये क्या है? नेप्रिलाइसिन इज एन एंजाइम दैट मेटाबोलाइजेस, दैट मेटाबोलाइजेस और यू कैन से इनएक्टिवेट्स नेट्रियूरेटिक पेप्टाइड्स. नेट्रियूरेटिक पेप्टाइड्स. अच्छा, सो लिसन, नेप्रिलाइसिन इज एन एंजाइम दैट कॉजेज द इनएक्टिवेशन और मेटाबॉलिज्म ऑफ नेट्रियूरेटिक पेप्टाइड्स. लिसन, दिस एंजाइम नेप्रिलाइसिन इज नेचुरली प्रोड्यूस्ड इन अवर बॉडी. इट इज नेचुरली प्रोड्यूस्ड, नेचुरली है हमारे बॉडी में. एंड नेट्रियूरेटिक पेप्टाइड्स इनहिबिट होते हैं इससे. व्हाट आर दीज पेप्टाइड्स? दीज आर ऑल्सो नेचुरल एंड प्रोड्यूस्ड इन अवर बॉडी. दीज नेट्रियूरेटिक पेप्टाइड्स, व्हाट दीज नेट्रियूरेटिक पेप्टाइड्स डू? लिसन बेटा, दीज कॉज वेजोडायलेटेशन. These cause inhibition of sodium and water reabsorption. From distal convoluted tubule. If you remember the chapter or lectures of the diuretics, when I was discussing the potassium sparing diuretic, I told you and I discussed the distal convoluted tubule where a sodium channel is present. The name of that sodium channel, if you remember, is epithelial sodium channel. Name of that epithelial sodium channel, that actually is controlled by aldosterone hormone. So the sodium that passes through the lumen of distal convoluted tubule, that sodium is reabsorbed from the lumen back into the blood through this channel. And this is actually, this is the channel and this is the sodium in response to which potassium is secreted out from the blood into the lumen. Yaad aaya aapko distal convoluted tubule mein sodium reabsorb hota hai aur uske badle mein potassium aur hydrogen bahar nikalte hain. To natriuretic peptides actually block this sodium channel. Ye naturally kar rahe hain kaam, hamari body mein naturally ye chalta hai. कंट्रोल रखते हैं सोडियम के लेवल को. ये नहीं है कि ये मुश्किल ब्लॉक करते हैं. एक्चुअली दिस बैलेंस द सोडियम बाय सम टाइम्स एंड नॉर्मली इनहिबिटिंग द ओवर एक्टिविटी ऑफ दिस चैनल. तो जब सोडियम का ये चैनल ब्लॉक हो जाएगा, सोडियम रीअब्सॉर्प्शन बैक इन टू ब्लड विल बी ब्लॉक्ड एंड सोडियम विल बी लॉस्ट इन यूरिन, विल बी एक्सक्रीटेड इन यूरिन. सो रिमेंबर, वेयर एवर द सोडियम विल गो, इट विल ऑलवेज कैरी द वाटर मॉलिक्यूल्स. सोडियम जहां भी जाती है साथ वाटर को लेके जाती है, क्योंकि सोडियम में ऑस्मोटिक पावर होती है, ऑस्मोटिक इफेक्ट होता है इसमें. तो जहां ये जाती है साथ उसके कौन जाता है? वाटर. तो जब सोडियम रीअब्सॉर्ब नहीं होगी डिस्टिल कॉन्वर्टेड ट्यूब्यूल से बैक इनटू ब्लड, सो डेफिनेटली सोडियम विल बी एक्सक्रीटेड इन यूरिन इन एक्सेसिव अमाउंट. एंड सेकेंडरी टू दिस सोडियम एक्सक्रीशन इन यूरिन, वाटर विल ऑल्सो बी एक्सक्रीटेड इन यूरिन. सो बाय डिलीशन बेटा, बाय इंक्रीजिंग सोडियम एंड water excretion, by increasing sodium and water excretion, blood volume will decrease. Blood volume will decrease. Okay, blood volume will decrease. So this decrease in blood volume will produce decrease in preload and afterload. So decrease in preload and afterload will produce the same beneficial effects that you have just studied in case of nitrates. Same effect takriban paida honge, kuch kam ya kuch zyada.
एक दिस इज वन मैकेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ व्हिच सैकुबिट्राइल इज बेनिफिशियल इन हार्ट फेलियर एंड अदर मैकेनिज्म सैकुबिट्राइल आल्सो कॉजेस वैसोडायलेटेशन कैसे इनके थ्रू खुद नहीं करती इनके थ्रू ठीक है तो नेट्रियोरेटिक पेप्टाइड्स बेटा सुनो उर्दू में भी नेट्रियोरेटिक पेप्टाइड्स हमारी बॉडी में नॉर्मली प्रोड्यूस होते हैं ये बायोकेमिकल सब्सटेंसेस हैं दीज आर 4 to 5 डिफरेंट टाइप्स एएनपी इनकी टाइप्स एएनपी बीएनपी सीएनपी ठीक है दीज आर मोस्ट कॉमन एंड यूरोडाइलेटिन ओके ये मैंने कुछ 2-3 से 4 जो है ना मैंने आपको नेट्रियोरेटिक पेप्टाइड्स की एग्जांपल दी है टाइप्स बताई है हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होती है आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड दीज नेट्रियोरेटिक पेप्टाइड्स इन द चैप्टर ऑफ ड्रग्स कैटेगरीज ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस जब मैं वो डिस्कस कर रहा था ना अल्फा ब्लॉकर बीटा ब्लॉकर नाइट्रेट्स और वो सिंथेथो ब्लॉकर जितने भी ग्रुप मैंने वो 9-10 इकट्ठे डिस्कस किए तो उन्होंने मैंने ये बात की है इनकी तो इनके मैंने फंक्शन भी डिस्कस किए थे ये तो न्यू कमर के लिए मैंने ब्रीफली बता दिया है बहरहाल तो दीज नेट्रियोरेटिक पेप्टाइड्स प्रोड्यूस वैसोडायलेटेशन एंड दीज इनहिबिट द सोडियम एंड वाटर रीअब्सॉर्प्शन फ्रॉम डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल बाय ब्लॉकिंग दिस चैनल तो इनडायरेक्टली दीज इंक्रीज वाटर एंड सोडियम एक्सक्रीशन इन यूरिन सो ड्यू टू इंक्रीज इन वाटर एंड सोडियम एक्सक्रीशन इन यूरिन द ब्लड वॉल्यूम ऑटोमेटिकली विल डिक्रीज सो दिस डिक्रीज इन ब्लड वॉल्यूम विल डिक्रीज प्रीलोड एंड आफ्टरलोड दैट विल बेनिफिट द हार्ट मसल्स ठीक है सो बेटा लिसन सैकुबिट्राइल naturally these natriuretic peptides are blocked and metabolized by an enzyme this and the name of this enzyme is naprilysin so definitely when sacubitril will block this naprilysin enzyme the metabolism or inactivation of these peptides will be blocked so their level in the body will increase and these effects will be produced to increased level to increasing level so ye effect acche aur powerful ho jayenge which will be beneficial in heart failure patients तो ये सैकुबिट्राइल इस बेस पे हार्ट फेलियर में यूज होती है एंड दिस इज अवेलेबल इन कॉम्बिनेशन विद वालसर्टन सो दिस कॉम्बिनेशन विल प्रोड्यूस ग्रेटर इफेक्ट ग्रेटर बेनिफिशियल इफेक्ट तो आपके सामने है कि सैकुबिट्राइल उस एंजाइम को ब्लॉक करती है जो इन नेट्रियोरेटिक पेप्टाइड्स को ब्लॉक करता है तो जब ये एंजाइम खुद ब्लॉक हो जाएगा इस ड्रग से तो इनकी ब्लॉकेज इनकी इनहिबिशन रुक जाएगी तो ये फिर ये वाले इफेक्ट अच्छे पैदा करेंगे और प्री लोड और आफ्टर लोड काम करेंगे ठीक है तो एडोन थेरापी में सेकंड लाइन एजेंट्स में फिर ये भी यूज होते हैं जब पहले वाले फर्स्ट लाइन फेल हो जाए देन दिस कॉम्बिनेशन इज आल्सो इन द मार्केट टू बी यूज्ड इन सेकंड लाइन ट्रीटमेंट